हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों, ये हमारी साइट जो है इसका एक वीडियो आपको मिल चुका था। तो उस टाइम पे शेड भी नहीं पड़ा हुआ था ऊपर में, और उसके बाद से पूरा काम हुआ। और ये इसकी लोकेशन बताएं तो ये गाजीपुर ज़िले में है ये शेड, और लंबाई बात करें तो 400 फिट लंबाई है और 50 फिट चौड़ाई है। ये फुली क्लोज AC शेड है, फुली ऑटोमेटिक, जिसमें आपका साइड से वॉल है और जो फर्श है वो भी पूरी पक्की है, मतलब कि कच्ची फर्श नहीं है, पूरी पक्की है। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम लगभग 90% हो चुका है, और जिसमें आप फैन देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है अपनी जगह पे। टोटल 16 फैन है 54x54 इंचेस का, और जो फिटिंग लाइनें हैं, लाइट वगैरह का काम है, लाइट बल्ब वगैरह का, वायरिंग का, वो सब काम, निप्पल का काम, ये सब लगभग हो चुका है। उसको केवल हैंग करना बाकी है आपके ट्रस में। उसके बाद जो सीलिंग का काम होगा, तब पल्ली सीलिंग, पल्ली से तिरपाल से सीलिंग होगी इसकी। यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन सीट नहीं डाली गई है, नॉर्मल तिरपाल से की जाएगी। तो उसका फाइनल वीडियो आपको मिलेगा, अभी इसके बाद एक वीडियो डालेंगे तो उसमें पूरा डिटेल फाइनली इस शेड का आपको पूरा डिटेल देंगे। इसलिए अभी पूरा इसमें लागत वगैरह आपको नहीं बता रहे हैं आपको। तो जैसे ये फाइनल हो जाएगा, इस तरफ कूलिंग पैड का एरिया है, यहाँ पे आपका पूरा कूलिंग पैड डलेगा। इस तरफ पूरा ये जो पन एरिया आप देख पा रहे हैं, सारा सामान आकर के रखा गया है। इंस्टॉलेशन शुरू है। थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से मैं वीडियो काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि एक बिल्डर थे हमारे, उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसी में थोड़ा सा परेशान था। नहीं तो यहाँ के 2-3 वीडियो बने थे, उनको भी नहीं डाल सका। तो अब फाइनल वीडियो आपको देंगे यहाँ का, जब टोटल काम होने के बाद कि किस तरीके से ये फार्म बनकर तैयार हुआ है और पूरी लागत इसकी। बर्ड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 22 से 25 हज़ार बर्ड इसमें आप आसानी से प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 400x50 का है, 20,000 स्क्वायर फिट का टोटल ये शेड है। और अभी यहाँ पे सोलर का भी सिस्टम लगने वाला है, और जनरेटर वगैरह, ये सारी जो कितने कैपेसिटी का लगेगा वो सारा कुछ अगली वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना है कि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कहाँ तक काम इस फार्म का हो चुका है। और अभी और 2-3 जगहों पे, जैसे सुल्तानपुर में हो गया, उड़ीसा में, यहाँ पे अभी काम हमारा चल रहा है। तो वहाँ पे जैसे जैसे फाइनल हो जाएंगे, और जो इस तरफ का आप बनारस साइड का जो आप शेड देख रहे थे, वहाँ पे जो शेड अभी रनिंग में है, 1-2 राउंड चल चुके हैं, उन सब का भी डिटेल आपको धीरे धीरे इस वीडियो के बाद आपको देते रहेंगे। तो चैनल पर जो भी नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी EC फार्म की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे सबसे पहले, और आपको एक आइडिया जाए कि आज के टाइम पे EC सेट बनाने में कितना टोटल खर्चा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।